कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा कह रहे थे मैं तुम्हारी अंदर की झांकना चाहूं था, तुम कितनी इच्छा है तुम्हारी मुझे वहां ले जाने के लिए, और इतनी तरफ बिना संत काम करे कोई नहीं, उनका वरदान भी। फिर भीम बकवाद करे था उस समय जब आमंत्रित करने गया था, जब सुदर्शन जी ने यह कहा था कि तुमने जब तक भीम उछल उछल कर मार दिए वह सैनिक अरे भोगो अपने ने, तो भीम क्या कह रहा था कि कोई नाच और गा का युद्ध नहीं जीता, एक का मारू था 20 मरे थे, ऐसी शक्ति है मेरे अंदर, बकवाद गड़े था। परमात्मा उस समय जब वो आमंत्रित करने दोबारा गए श्री कृष्ण जी के साथ, तब परमेश्वर ने एक अपनी सुमरणी टांग रखी थी खुट्टी के या माला जिसको सुमरण करते हैं, और भीम से कहा कि पहलवान या मेरी सुमरणी दिए उतार कर चल मैं चलूं तुम्हारे साथ में। भीम फट दे गया और उस खुट्टी पर तो वह माला उतारने लगा। इतना पहलवान था भीम बताते हैं कि हाथी को पकड़कर इतनी तेजी से घुमाकर आसमान में फेंक देता था कि वो दिखना बंद हो जाता था, और उस समय उस पर वह माला ना उतरी और पसीना आ गया नो देखे टेढ़ा टेढ़ा। परमात्मा बोले पहलवान छोड़ दे आप उतरे गया, और न्यू करा था दत्ता ने वो अपने आप उतरे का हाथ में आ गई। तो भीम कहने जचगी वह महात्मा के चाला है तो, और ऐसा विश्वास होए बिना फिर श्रद्धा नहीं बनती, न्यू बिगी बिल्ली की तरह खड़ा होगा वो पहलवान न्यू न्यू खड़ा वहां पर। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा कैसे अपने अमृत वचनों में कैसे कलम तोड़ रखी है, थोड़ी थोड़ी ये भी सुना दूं, क्योंकि ये सब सिद्ध वाणी है। उस परमात्मा का दिया हुआ गरीबदास में फीड किया हुआ ज्ञान उन्होंने चौंका क्यों बोला है, और इस वाणी को अधिकारी के वचनों से सुनोगे तो पूरा असर होगा। ये दास है आदि अधिकारी से अमर कथा को सुनाने पढ़ने और पढ़ाने का, और पृथ्वी पर नहीं। जैसे औषधि होती है, औषधि ने काम करना शरीर में जाकर, और सिरिंज होती है वह नीडल और एक प्लास्टिक से की वह सिरिंज बोल रहे हैं जिसमें इंजेक्शन भरकर फिर बॉडी में लगाते हैं, अगर वो सिरिंज अंदर तक कोई डिफेक्टिव मटेरियल हो उसमें थोड़ा बहुत और उसमें वो औषधि डालकर लगा दी जाए उस बेकार यानी खराब सिरिंज के द्वारा दवाई डाल दी जाए शरीर में तो वह रिएक्शन और कर देगी, कौवा काम ना करे तो ऐसा करना चाहिए था। तो अन्य जितने संत हैं वो खराब उनके कोई भी है वो अच्छी सिरिंज नहीं है, ये दास ही मालिक ने पता नहीं क्या गुण देखा, साफ भी उन्होंने किया होगा दास को। तो इस दास के माध्यम से जो वचन बोले जाएंगे या वाणी पढ़कर सुनाई जाएगी इसका असर आपके डायरेक्ट होगा, शक्ति भगवान की काम करेगी, दास तो एक नियमत है। अब क्या कहते हैं, पांचों पांडव संग हैं
और छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमरी यज्ञ में हे समर्थ सृजन आरे। अब श्री कृष्ण के बस की बात नहीं था, उस समर शक्ति के सामने क्या बोल रहा है, ये जीव के बस की नहीं बात। नानक साहिब जी कहते हैं वो समर्थ, वो परमात्मा कबीर करतार, वो जमे चाहिदा ऐसे बुलाईदा, वो जैसे चाहता है नहीं बुलवावा अगले पे, और सच्चाई बुलवा रहे हैं। पांचों पांडव संग हैं और छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमरी यज्ञ में हे समर्थ सृजन आरे। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में परमेश्वर किया पियान, पांचों पांडव संग चले और छठे यहाँ के भगवान। पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेघ में वहां वाल्मीक की दे, शंख पचायन बजा दिया वहां रख्या नहीं संदेह। सुपच रूप धर आया स्वर्ण सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी वहां सुर नर मुनि जन भीड़। अब थोड़ी सी मौखिक बताकर फिर सुनाऊंगा, जब घना बढ़िया आपका इसका ज्ञान समझ में आओगा रहस्य। अब क्या हुआ, रथ में बैठ के परमेश्वर को साथ लेकर पांचों पांडव छठे कृष्ण जी और यज्ञ में पहुंच गए, जहां वो बैठे थे ऋषि और यज्ञ वो होना था। तो जो ही मंडप में परमात्मा ने प्रवेश किया कबीर जी ने, उनकी कैसी वेशभूषा थी, बाल बढ़े हुए और मैले से कुचेले से कपड़े, टूटे से जूते, धोती भी आदि सी बांध रखी, और जैसे ग्रामीण और गरीब निर्धन व्यक्ति बिल्कुल जैसे रहते हैं ऐसी स्थिति में। और जब वो जा रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे कृष्ण जी और सारे, तो सारे बैठे थे ना वो जितने ऋषि मुनि महामंडलेश्वर ब्राह्मण, सारे अपना कपड़ा मुंह पदर के और अंदर अंदर हंस, ये लाए हैं इसने बजाओगा शंख, ये बजाओगा शंख इसका। अब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि बहन द्रौपदी, ये महात्मा आए हैं और भोजन बना दे बढ़िया सा, खाना खाओगे जब तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण होगा। अब कति गले में अड़ रही थी इनका तो फांसी, और मुश्किल हो रही थी कि इतना खर्चा हो लिया बात जो की, तो द्रौपदी ने किसी नौकर से नहीं भोजन बनाने दिया, कि भोजन में कोई चूक रह गया और संत जी भगत जी खुश ना हो, अपने हाथों रोटी बनाई, कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े खीर हलवा गाजर पाक सारा बना के और सजा के वो थाल में न्यारी न्यारी कटोरियों में और सुदर्शन जी के आगे रख दिया कि महाराज जी भोजन पाओ। अब परमात्मा ने एक शिक्षा देनी थी, वो सुदर्शन जी जो थे वो इस बात के एक संयमी थे, वो क्या करते थे, वो केवल पांच ग्रास खाते थे, यानी पांच बार सारे दिन में जितना खाया गया पांच बार में ऐसे पांच ग्रास में, बस उसके बाद वो अपना संयम रखते थे कि इससे ज्यादा नहीं खाना। उसी हिसाब से वो रोल उसी का कर रहे थे, पता था सबको कि पांच ग्रास करता था परमात्मा, फिर मीन में एक नहीं छोड़ दे। उन्होंने क्या किया, सभी खीर हलवा कचौरी पकौड़ी दही बड़े दाल सब्जी सारी थोड़ी थोड़ी सी लेकर और थाली में डाल ली, कटोरी बाहर धर दी, और फिर उनको लगे मिलाने, ये दिखाने के लिए आज तय मन नारे नारे चटपटे भोजन करके तड़का फिर मांगेगा फिर जीभ खराब होगी, वो इकट्ठे कर लिए। अब द्रौपदी ये सोच रही थी कि महाराज जी आज महात्मा को इसी ऐसा भोजन खिला दूंगी, खावेगा रुगली चाटेगा, और पता नहीं कितनी कहां जग, कितनी जगह जाकर मेरे गुण गावेगा, द्रौपदी भोजन खाया तो द्रौपदी के हाथ का। और ये विशेषकर सभी बहनों का एक विशेष भाव होता है कि अतिथि घर पर आ जाते गणा अच्छा भोजन बनाकर, कि कहीं ये जाकर कहीं नो ना कह दे ऐसे घर बन गया था, उस बहन ने रोटी भी ना बनानी आई।
इसलिए उसका प्रत्येक संभव प्रयत्न रहता है कि बढ़िया से बढ़िया भोजन नमक मिर्च सही बनाकर दूं। और फिर ये इंतजार करती है खाने वाला सरा होगा कि बेसरा होगा। अब उन्होंने जो कोई तानसेना दिया उन्हें इकट्ठा कर लिया सारा है। तो द्रौपदी ने घना दुख माना कि मैंने 2 घंटे तक फुड़वाई दूमे में और स्पेशल अपने हाथ से भोजन बनाया और यू रहा सूदर का सूदर, इसने खान का बिना बेरा यू काहे का शंख बजाओगा। ये मन बड़ा दुष्ट है, एक मिनट में पता नहीं किक किक विकल्प संकल्प करके और बट्ठा बैठा दिया आत्मा का। अब परमात्मा तो अंतर्यामी थे, जान गए कि इसमें करड़ रह रही है थोड़ी सी, इसने भी ठीक करूं द्रौपदी ने। अब परमात्मा ने एक बार वो ग्रास खाया एक, और उस शंख ने आवाज करी और फिर बंद हो गया। ऐसे 5 बार में जितना थाली में डाला था 5 बार में चाट के खा गए और 5 ही बार शंख बज के बंद हो गया। अब युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ कि भगवान ओए होए, आप तो जानी जान हो, आपने कहा ढूंढा ये महापुरुष, हमारा तो बन गया काम। कृष्ण भगवान बोले काम ना बनायू। बिना जी कैसे? बोला कैसे, क्या कारण? कि यो शंख बहुत देर तक अखंड बजना चाहिए था। अब युधिष्ठिर तो पेट पकड़ कर बैठ गया कि भगवान अब कौन है और किसको बुलाओगे, कि और बुलाना बाकी कौन है इस पृथ्वी पे? अपने घर में दोष है युधिष्ठिर, कोई त्रुटि है किसी भगत के किसी सदस्य के। और वो तो पता था, श्री कृष्ण जी तो समझ गए थे कि द्रौपदी कुआं नाक सकोड़े है, कुआं मुंह मोड़े है, गड़बड़ करेगी। उन्हें द्रौपदी बुलाई, श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन साची बताना, महात्मा जब खाना खाओ था तेरे मन में किक के विचार आए, जो शंख क्यों ना बजा, अखंड बजाना चाहिए था। तो उन्हें साची बता दीजिए, मैं 2 घंटे तक धूमे मांग फुड़वाई और इसा बढ़िया भोजन बनाया था कि साधु खाओगा रंगली चाटेगा, और इसने सारा गुड़ गोबर कर दिया, मैं घनी दुखी होगी। श्री कृष्ण जी बोले कि तुम तो सारे ही विवेकहीन इकट्ठे हो रहे हो, तू के युधिष्ठिर से घाट से आपने एहसान नहीं करा, संत को भोजन खिला के इसने एहसान करा, तेरा टूक तोड़ के बावड़ी, तेरा पाप काटना आया था, तेने भोजन खिला के एहसान कर दिया, आपका फर्ज था पूरा किया, बहुत बढ़िया भोजन बनाया, आप अगले की मर्जी कैसे खावे, अरे इसमें दोष निकाल रही है, ये तो काम बिगाड़ दिया सारा तने, जिस कारण से शंख नहीं बचाई हो। और ये भी दिखा दिया कि और तो सब ने जीम लिया, श्री कृष्ण भी भोजन खा चुके थे, टस से मस नहीं हुआ था, और इसने 5 बार खाया 5 बार, ये भी दिखा दिया कि समर्थ है, कोई कच्चा काम नहीं है। अब कहते मरता क्या नहीं करता, पसीने आगे द्रौपदी गए कि गलती बन गई महाराज, परमात्मा बोले माफी मांग महापुरुष है, और इसके चरण दो के पीतन के युद्ध बाल्मीक दिखाई दे हरिजन सा, इसके एक बाल के बराबर 3 लोक नहीं है, इतनी समर्थ शक्ति है। श्री कृष्ण जी तो सामने दिखे थे, भक्ति युक्त परमात्मा थे खुद हुए थे। अब मरता क्या नहीं करता, द्रौपदी लाई प्रांत उठाकर बढ़िया, और उसमें लोटा लाई पानी का भर के, महाराज जी चरण दोगी अग धोले बेटी, दोनों पैर धर दिए प्रांत में परमात्मा ने, और द्रौपदी ने पैर धोए उल्टा घाल के लोटे मर पीण लगी, आधा पी लिया। तो श्री कृष्ण जी बोले कि बेबे बहन मुझे भी दे दे आता, इसे महापुरुष का चरण अमृत कच कच मिल रहा है, धूल से भरे हुए चरण जो के नो दो के, और गट गट पी गए। जो ही द्रौपदी ने और श्री कृष्ण ने वो चरणामृत लिया, शंख ने अखंड धुन करी, नो स्वर्ग तक वाणी सुनी, बोलो सतगुरु दे। वो 3 ताप प्रेत बाधा भी उस परमेश्वर की कृपा से दूर हुई, उन श्री राम और कृष्ण इन पुजारी ऋषि महर्षि देवताओं के भोजन से तो वो भी दूर ना हुई। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये तीनों तापम, सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े।
ये वो परमात्मा कबीर साहब है आपके कर्म के लेख का नाश करते हैं, ऊत भूत जम त्रासों यम के दूतों की त्रास से भी आपको बचावेगा, और अंत में आपके भाग्य में जो दुर्भाग्य लिखा हुआ है, पाप लिखे हुए हैं, उस कागज को पाड़ देगा। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अपनात्मा उस शंख ने इतनी गजब की आवाज की, स्वर्ग तक उसकी लहर गई, काफी देर तक सन्नाटा उठ गया, पूरी पृथ्वी मीठी मीठी आवाज से भर गई, और जितने भी पृथ्वी पर वृक्ष पौधे थे फूल या फलों के, फलों से तो लदपद हो गए और फूल ऐसे खिल गए जैसे बसंत में खिला करते हैं। पूरी पृथ्वी पर फलों से लदपद और एक बहार आ गई उस परम पिता की कृपा से। अब आपको परमात्मा की वो वाणी सुनाते हैं थोड़ी सी, ईब गणा आवगा आपने। पांचों पांडव संग हैं छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी यज्ञ मुहि समर्थ सृजन हारे। पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेघ में परमेश्वर किया पियान, पियान माने प्रस्थान, और पांचों पांडव संग चले और छठे यहाँ के भगवान। सुपत रूप धर आईया वो सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी वा सुर नर मुनि जन भीड़। सुपत रूप धर आईया सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोईया करी तास की सेव। सैंस अठासी ऋषि जहां देवा तेतीस कोटे, शंख न बजा तास से वो रहे चरण में लोटे। जब परमात्मा से वो शंख बजा, जब सारे नतमस्तक हो रहे उड़ा मुंदे पड़े, अब सचमुच ये तो भगवान था भाई, ये तो परम शक्ति आ गया, हमसे नहीं बन पाई बात। पंडित द्वादश करोड़ थे, 12 करोड़ ब्राह्मण थे, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि। सैंस अठासी ऋषि जहां वो देवा 33 करोड़, शंख न बजा तास से वो रहे चरण में लोटे। पंडित द्वादश करोड़ थे और 84 सिद्ध, शंख न बजा तास से वो पिए मान का मद। उनसे शंख नहीं बजा, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 84 शब्द, ये गोरखनाथ जैसे शब्दों में आते हैं, कहते ये भी गुप्त रूप में वहां बैठे थे, इनसे शंख नहीं बजा। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मनी शंक, सुपच रूप में परमात्मा को देख कर द्रौपदी के मन में शंका पैदा होगी कि यू काहे के शंख बजावेगा। सुपच रूप को देख कर ये द्रौपदी मानी शंक, जाने गए जगदीश गुरु नो बजा को ना शंख। कि 5 बार बजा कर बंद कर दिया कि द्रौपदी में थोड़ी सी मरोड़ रह रही है या काट दो इसकी। 56 भोग संजोग कर, 56 भोग 56 प्रकार के व्यंजन बना रखे थे, उनको इकट्ठे कर दिया, संयोग कर दिया उनका। 56 भोग संजोग कर कीने 5 गिरास, द्रौपदी के दल दुई थी उसका नहीं था दृढ़ विश्वास। सुर नर मुनि जन यज्ञ में वहां त्रिलोकी के भूप, 3 लोक के राजा श्री कृष्ण जी बैठे, और सुपत यज्ञ में आईया नित बेचत है सूप। 56 भोग न भोगिया कीने 5 गिरास, खड़ी द्रौपदी उन मुनि वा घाल रही थी सांस। जब भगवान ने सब कुछ इकट्ठा कर लिया और खान लग गया, वह सांस मार रही थी, जो करड़ी गुस्सा हो रही थी। अब श्री कृष्ण जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शंख क्यों ना बाजा। बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काढ़ है मन की बंक। अब जब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इस महापुरुष से भी शंख ना बजा, तो उन्होंने देखा अपने अंतर्ज्ञान से
यो हो द्रौपदी के मन में दोष है, इसका बड़का डह है ये, इन्हें सीधा करें। बोले कृष्ण महाबली भाई क्यों बजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु अब काटत है मन बंके। के द्रौपदी की मुरोड़ काटन लाग रही है यार, पता नहीं क्या बन रही है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं द्रौपदी दिल को साफ करो और चरण कमल लोलाए, इस बाल्मीक के बाल समये तीन लोक नहीं पाए। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं द्रौपदी तने के बाल्मीक सा दिखा है यो, इसके एक बाल के बराबर तीन लोक नहीं है। द्रौपदी दिल को साफ कर और चरण कमल लोला, बाल्मीक के बाल समय तरलो की नहीं पार। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, तेरा अंतर सीना साफ होए तेरे जड़ सकल अपराध। बाजा शंख सुभान गति फिर कण कण भई आवाज, स्वर्ग लोक बानी सुनी ही तरलो की गाज। शरण कबीर की जोग है ये टूटे जम की बंद, बंदी छोड़ अनाद है ये सतगुरु कृपा सिंध। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाल, जम राजा की बंद में वहाँ खलहल पड़ा कमाल। ये वृद्वान ने साधे हैं ये जुगन जुगन जगदीश, गरीबदास जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चमत्कार ही करते हैं ये परमात्मा जगदीश युगों युगों। ये वृद्वान ने साधे हैं ये जुगन जुगन जगदीश, 33 करोड़ छुटाई ही याद तोड़े थे बुज बीस। रामचंद्र पर रावण नहीं मरे था और 17-18 दिन हो गए थे खुचम खुचा होते ने, जब परमात्मा ने जाके खुद अपने अदृश्य रूप में उसकी टीटवी दबी थी, और बाना गिरा था तीर लग गया फलाना लग, तीर तो उस दिन के मरने लग रहा था उसको, वो लगन दिया था उसके। अब क्या बताते हैं परमात्मा, पांडव यज अश्वमेघ में आए नजर निहाले, जमराजा की बंद में वहां खलहल पड़ा कमाल। भाई यज्ञ जब पांडव राजा, नौनाथों नहीं शंख बाजा। कितनी प्यारी वाणी में कितनी महिमा गाई अपने भगवान की गरीबदास साहब जी ने। यज्ञ जब पांडव राजा, नौनाथों नहीं नादू बाजा। 84 ऋदि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं दोहे। वो जितने भी ऋषि थे महर्षि थे उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते थे, वो देवता वगैरह। 33 करोड़ यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नहीं। 56 करोड़ जहां थे यादो, जिनसे नहीं वो बाजा नादू। नाद यानी शंख नहीं बाजा। कोटिक वक्ता वेद उचारी, नहीं बही जग संपूर्ण सारी। 60 दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहुमाही। सुर जन मुनि जन तपा सनासी, दंडी वृत्त बहुत उदासी। 5 पांडव और कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ बही नहीं थीरा। 5 पांडव वही थे, श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया था, उनसे भी यज्ञ सफल नहीं हुई। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख बचायन पूरा नादु। अब वहां परमात्मा अपनी महिमा की भूख नहीं रखते, अब उन्हें क्या पता यो के लीला थी। गरीबदास जी को तो सारा मालूम था, उनकी दृष्टि खोल रखी थी, तो उन्होंने बताया कि वो तुम जिसको एक बाल्मीक शब्द रहे थे और उसने शंख बजा दिया, उसका कारण क्या था कि वो पूर्ण परमात्मा के उस सत भक्ति कर रहा था। यानी हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि ये कहा करते हो श्री कृष्ण का भगत था, अच्छा भगवान तो बाजी नहीं भगत कला तोड़ देगा है थारा कृष्ण ऐसी अकल दे रखी थी। क्या बताते हैं, पंडित द्वादश कोट विपर से देव से, और खेवट बिना जहाज कहो कौन खेव से। जहां पुंडरीक पाराशर नारद व्यास रे, गोरख दत्त दिगंबर और दुर्वास रे।
वहां पर ये महात्मा बैठे थे जिन तक शंख निवा जी जिनको तुम अंडी महात्मा ऋषि महर्षि समझा करते थे, ये गिनती करवा रहे उनकी। जहां मारकंडे पिपलादिक रोमी ऋषि रे कपिल मुनि जा यगमाही नाही बज्जा शंख रे नो योगेश्वर निर्भय काग भूषण रे जहां बावन गादी जनक भक्ति प्रचंड रे जहां सुखदेव ध्रुव प्रहलाद भक्ति के खम्भ रे जग रची जब श्री कृष्ण किया आरंभ रे बाजा सुपच का शंख स्वर्ग में धुन सुनी गण गंधर्व गलतान सकल ज्ञानी गुणी बाल्मीक के शंख को किए सुर मात्रे द्रुप सुता के दल में आई भ्रांत रे कण कण बाजा शंख स्वर्ग में भई सैल रे और पंडों ताप विध्वंस किए सब बद फैल रे। पांडवों के सभी वो तीनों ताप और जो उन्हें बदफैल बकवाद करी थी वो पाप कर्म वो सभी विध्वंस कर दिया, उनका नाश कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे अचरज कीन दीन कह शर धरी हरे हा महबूब कहता दास गरीब धनी नर कबीर हरी। इतना लीला करके अपने उस दास के सिर पर धर दी के सुपच ने शंख बजा दिया। अपने आत्माओं ये वैसे तो बहुत लंबा प्रकरण और था, 10 मिनट और लगाऊंगा इसको ताकि आज का सत्संग पूरा हो जाए। जैसे कई भक्त कहते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश यानी श्री कृष्ण विष्णु राम ये भगत के पाप नाश नहीं कर सकते, ये अपने नहीं कर सके और आगे कैसे पाप नाश कर देंगे। जैसे नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु जी को, जब नारद जी विवाह कराना चाहता था और विष्णु जी से उसने अपना रूप मांगा था, अभी तो मेरा ऐसा है चोटी राख रखी पंडित जैसा मेरा वेशभूषा है, लड़की कैसे पसंद करेगी, एक राजा की लड़की का स्वयंवर था और उसके मीठे मीठे गीत सुनकर उस नारद का भी जी कर गया विवाह करवाने में। और पहले नट्य था कि मैं शादी करवाऊ मैं को न्या मन तो माया जीत ली, उसकी फड़क निकालने के लिए विष्णु जी ने लीला करी थी। अब उसने करड़ी तरफ बना ली नारद जी ने ब्याह करवाऊ ब्याह करवाऊ, तो उसने सोचा भी इस सूरत इस वेशभूषा में तुमने कोई स्वीकार करेगी नहीं लड़की, तो भगवान गणेश सुंदर है विष्णु जी उसका रूप मांगूंगा। इस करके एकांत में जाकर प्रणाम की, विष्णु जी पहुंच गए था बोल भगत के मांगे कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ, हक हो गया भाई कि मन ने करवाना विवाह और मुझे आप अपना हरि रूप दे दो। संस्कृत में हरि बंदर ने भी कहे हैं बंदर को, विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह ला दिया तथास्तु। अब नारद जी ने सोचा तो सबसे हैंडसम हो गया ये और वहां आकर बैठ गया था, वो लड़की ने अपना पति चुनना था, राजा लोग बैठे कुर्सियों पर बीच में बैठ गया डट के, लड़की वरमाला लेकर चली नारद जी को पास कर गई। वाह नारद जी ने सोचा क्या कैसे गड़बड़ रह गया भाई, इन्हें जानना पड़ा मैं दिखा को नहीं। वहां से उठकर लड़की डरा रही थी दूसरी साइड में फिर जा बैठा खाली कुर्सी पे और न्यू कर दिए मुंह नाड़ बार, वह लड़की 5 कदम पीछे से होकर दूर के निकल गई। तो वो कुछ नाराज सा होता दिखा, एक पड़ोस साथ में बैठा था एक राजा, वो बोला कहने लगे भाई भगत सुन ले तेरे तो हमने डर लागन हो रहा है, तो अपनी शकल देख, वह पानी था तसले में देख इसमें जांच कर। वो देखा उसने बांदर का मुंह लग रहा है उसके, वो जान गया किसने जानबूझ कर बकवाद करी है। उधर से क्या हुआ, श्री विष्णु जी आ बैठे कुर्सी पे, उस लड़की ने उस विष्णु जी का वरमाला गाल दी। तो नारद जी हो गए तो आग बबूला, अब ये इतनी नहीं भक्ति करा करके तेरा नाश कर दूंगा, दयो तेरा नाश हो, विष्णु जी को श्राप दे दिया। ये नए उड़ज पुड़ज कर मर गए, इनको भक्ति तो प्राप्त हुई नहीं, बकवाद इकट्ठी कर लेते फिर एक दूसरे पर छोड़कर पाप का भागी बन जाते, अपना नाश करा भक्ति का और विष्णु जी को श्राप दे दिया। एक जीवन सारा तू जैसे मैं अपनी औरत के लिए तड़फ रहा हूं, तू सारा जीवन अपनी पत्नी के योग में बिताएगा, वैसे वैसे दे दिया श्राप। अब वो श्राप 3 ताप के अंतर्गत आता है,
अब उस ताप का नाश श्री विष्णु नहीं कर सके, श्री राम रूप में वो राजा दशरथ का पैदा हुए और सारा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिताकर आखिर में आपको पता ही है सरयू नदी में वो समाधि ले गए जिंदे, उसमें डूब गए। और उधर से उन्होंने उस समय जब सुग्रीव के भाई थे बाली, बाली को मारा था एक वृक्ष की जो ओट लेकर धोखा देकर, तब बाली ने कहा था कि आप वेदों के ज्ञाता होकर के ऐसी गलती कर गए, आप सामने आते से पहलवान थे तो मेरे सामने लड़ते, ये धर्म नहीं अक्षत्रिय का, आपने अक्षत्रिय का धर्म डबो दिया, आपको ये पाप लगेगा, ये फल देना पड़ेगा, कब देगा ये मेरा फल। श्री राम ने कहा कि द्वापर युग में तेरा बदला दूंगा। कहते हैं बदला कहीं ना जात है ये तीन लोक के मां, और सतगुरु मिले कबीर से तो सब पाप कट जाए। तो श्री कृष्ण वही विष्णु राम वाली आत्मा बनी, एक शिकारी बनाई ये बाली वाली आत्मा, जिसमें दुर्वासा जी ने, देखो कमाल की बात है, एक बार दुर्वासा जी द्वारका की बनी में बैठ के बाहर जंगल में, उनके बारे में सारी द्वारका में चर्चा का विषय बन गया, बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, भूत भविष्य की सारी बता देते हैं। और उधर से यादव थे, जो यादव थे वो श्री कृष्ण जी को एक सर्वशक्तिमान मान के, क्योंकि उन्होंने गणे ये जरा सिंह शिशुपाल जैसे कईयां का बकल तार दिया था, इस करके वो हीरो पा के थे श्री कृष्ण जी। तो यादव इस कारण से अपने आप को एक निर्भय और ये मान चुके थे कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारे साथ श्री कृष्ण है, तुम्हारा दादा परदादा जैसे भी वो मान रहे थे, और राजा और भगवान। तो उन्होंने इस प्रद्युम्न है, श्री कृष्ण का लड़का था प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के साथ पांच सात बच्चों ने एक स्कीम बनाई कि दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेंगे, जो कैसी भूत भविष्य जानता है। तो उन्होंने प्रद्युम्न को एक लड़की का सांग बना लिया, गर्भवती का, पेट पर कढ़ाई बांध ली छोटी सी, जो छोंक छांक लाण की रसोइयों में, और ऊपर के उसके लोगड़ कपड़े बांध कर और लेडीज वाले कपड़े पर आ दिए, एक उसका नकली पति बना लिया, ऋषि के पास गए दुर्वासा के पास। दुर्वासा जी से कहा कि महाराज हमने सुना आप भूत भविष्य की सारी जानते हो और वर्तमान की, ये इसकी पत्नी है, ये इसका पति है, इनको बहुत दिनों के विवाह के उपरांत आज आस हुई है, ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि इनका लड़का होगा क्या लड़की, आप बताइएगा। दुर्वासा ने देखी दूरबीन लाके, हम देखे तो बकवाद करना रहे हैं, कहने लगे बताओ क्या होगा। अखा जी कि यादव कुल का नाश होगा इस गर्भ से जो तुम बना के आए हो, अठारह चमटा तुम बकवास करने आ गए, तुमने ये हर वो बालक बच्चे भाग लिए वहां से, अगवाच बिगड़ गई। इस बात का पता चला नगर के मौजूद व्यक्तियों को कि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और वो तो भाई तोब का गोला उसका वसंत है, या तो बात बिगड़ेगी, चिंतित हो गए। श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी से सारी कहानी बताई, बच्चों ने गलती कर दी, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, भगवान आप तो जान ही जान हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप समाधान बताओ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक बार तुम दुर्वासा जी के पास जाओ, उसी से क्षमा याचना करो, उन बच्चों को साथ ले जाओ। उन बच्चों को साथ ले गए, दुर्वासा जी से प्रार्थना की महाराज बालक से गलती होगी, नहीं अब मैंने जो कह दिया मेरे बस का, इसको वापस करना है, आप जाइए अपने बच्चों को समझा कर रखा करो, साधु संतों से बकवाद नहीं अच्छी होती। फिर चिंतित हो गए, गांव में भोजन नहीं बना उस दिन, सारी नगरी में अगर नाश हो गया। तो श्री कृष्ण जी ने देखा है तो घने चिंतित हो गए, तो क्या समाधान बताया कि अभी क्यों चिंता करते हो, आ जाओ। तो इकट्ठे कर लिए और कहा कि किस से हमारा नाश होगा, जो गर्भ बनाया था कढ़ाया लोहे का, और ये कपड़े जो पैर रखे थे ऊपर गए, हाँ जी इन कपड़ों ने तो आग लगा दो, और इस कढ़ाई को लोहे की कढ़ाई को घिसा घिसा कर और चूरा बनाकर जमुना में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बड़े खुश हुए सारे, अकुवा जीवा कमाल कर दिया, अब वो कड़ आया घिसा घिसा कर पत्थर पर चूरा बनाकर जमुना में डाल दिया,
और फिर क्या हुआ, एक कड़ा जो बराबर में कड़ा होता है पकड़ने का, एक तो पूरा घिसा के सूझ गया उन्हें तोड़ फोड़ कर, एक किसी आलसी का हाथ लग गया उसने घिसा के थोड़ा बहुत ही दूर दूसरे फेंक दिया नौका, वो एक मछली ने खा लिया खाद्य पदार्थ समझ गया। उधर से क्या हुआ, वो मछली पकड़ ली उस मछियारे उस पारधी ने शिकारी ने जो बाली वाली आत्मा थी, वहां भी बालिया धीमर बन रहा था मछली पकड़ लिया और शिकार भी करते थे, पहले ये मांस मच्छी खाते थे ये लोग। उसने जब मछली काटी उसमें वो तेज सुंदर धातु दिखी, उसने पहले तो सुनार को दिखाई, सुनार बोला भी चांदी नहीं है, फिर लोहार के पास ले गया, लोहार बोला इस्पात है गजब का, क्या बनवाना चाहता है। अब वो थोड़ा सा था, उसने बोला तू मेरे इस तीर का एरो बना दे आगे का, ये बाण का जो है इसका यू आगे का तीर बना दे लोहे का। उसने विषाक्त करके, क्योंकि शिकारी था कि विषाक्त करके बना दिया जहर में बुझा के, और बना के उसको दे दिया। उधर से क्या हुआ कि फिर कुछ दिनों के बाद दुर्वासा जी का वो वचन फला, आपस में सारे यादव छोटी सी बात पे लड़े, लठ मारे, कतलेआम करने लगे, रोज की दो दो चार चार मौत लड़ाई में होने लगी, या वैसे मर जावे। तो सब चिंतित हुए, चिंतित होते हैं तो समाधान गुरु जी से पूछते हैं। श्री कृष्ण उनके गुरु भी जी थे, गुरु थे धार्मिक, श्री कृष्ण जी के पास फिर सारे मौजूद मौजूद लोग से इकट्ठे हुए, कहा भगवान नगरी में पता नहीं कौन सा पाप सेध गया, और हाहाकार मात्री है बड़े छोटे की लादरी, ना कोई समझावे उसके सिर पावे, पता नहीं कौन सा पाप आगे अड़ गया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्वासा का श्राप अब फल रहा है, अब देख लो पुण्यात्मा, ये विचार करिए ये किसे, जब श्री कृष्ण की ये स्थिति है तो इसके पुजारी किसा समाधान बताते होंगे और उससे क्या लाभ होता होगा। एक बार तो कह दिया किसने घिसा घिसू कर डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हो गए निश्चिंत। और अब कह रहे हैं कि वो श्राप फल रहा है तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का, अब उसका असर शुरू हो गया तुम्हारे पर, अब फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले बड़े होते हैं गुसर डालो तो, कि भगवान कोई समाधान बताओ, कि ऐसा करो तुम सारे के सारे यादव नर मनुष्य मनुष्य और चाहे आज का नवजात शिशु भी क्यों ना हो, आज का जन्मा हुआ उसको भी नर हो, उसको लेकर उस प्रभास क्षेत्र में चले जाओ जहां तुमने कड़ा घिसा कर चूरा जमुना में डाला था। अब देखो जो चूरा डाला था कढ़ाई का वो बन गया घास तेज पत्तों का ईंख की तरह, और तेज पत्ते से तलवार कैसे हो गए। अब क्या बताया कि वहां जाओ तुम उस प्रभास क्षेत्र में और वहां सारे स्नान करके आओ जमुना में, तुम्हारा साप नाश हो जाएगा। अब गुरु जी ने बता दिया, सारे खुश हो गए, छोटे बच्चे जो उस दिन पैदा हुए थे उस नवीले लेकर लड़कों को, और सारे नर यादव चल पड़े वहां जा इकट्ठे हुए। पहले तो जाते नहाए स्नान करें और फिर बाहर आते लठम लठा, आंख बड़े थी पहले से ही, वो घास निकाल कर मारे, वो तलवार का काम करे, कतलेआम मच गया, 56 करोड़ यादव कट का मर गए। अब बच गए श्री कृष्ण, श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर जंगल में जा लौटे, एक वृक्ष के नीचे घुटने पर पैर रख पैर रख ऐसे लेटे हुए थे, तलवार सामने था, श्री कृष्ण के पैर में एक पदम था जो बहुत ज्यादा चमकता था, जैसे 100 वाट का बल्ब कहीं दिन में जग रहा हो वृक्ष के नीचे तो उसकी अलग से चमक दिखाई देती है, ऐसी चमक थी उसके पैर में, वो कुदरती था उनके पैर में। श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, वृक्ष की झुरमट नीचे टिकी हुई थी जमीन पर, और वो शिकारी जिसने वो कढ़ाई का एक कड़ा वो तीर बनवाया था उस दिन उस सन ले रहा, ये तो विधि विधान होता है। अब उसने सारा दिन कोई शिकार मिला नहीं, उसने सोचा इस वृक्ष के नीचे रेस्ट करता हूं फिर देखूंगा आगे चल के। वृक्ष के निकट आया तो उसने देखा कोई वस्तु चमक रही है, उस वृक्ष की उस शाखाओं के अंदर से दुर्मट के अंदर से दिखा, तो उसने क्या आइडिया लाया कि ये मृग की आंख है हिरण की, और मैं ही दूर दूर से जाऊंगा यू भाग जाएगा तेरे हाथ में लकड़ेगा, निशाना साध गया उससे उसमें ठोक दिया तीर और जहर से बुझा हुआ।
श्री कृष्ण जी के तलवे में लग गया। श्री कृष्ण जी चिल्लाए मर गया रे मर गया रे। अब उसने सोचा शिकारी ने कोई मानस मर गया तो जुलम हो गया तेरे से। वो भाग कर आया जल्दी से, क्या देखा कि मुकुट समेत ये तो राजा मर गए। अब तेरा क्या होगा, रो और बुरा हाल कर दिया है महाराज, मेरे से गलती बन गई है महाराज, मैं जान कर नहीं मारा, मैंने तो ऐसे ऐसे आपके पैर में चमक देखी, ये सोचा ये मर्ग है, मर्ग जान कर मारा जाता, आप तो समर्थ है कुछ भी सजा दो। तब श्री कृष्ण जी बोले, अब काल के हाथ में बुद्धि वह कर दी ऑन इसकी कि भाई तने अनजाने में नहीं मारा, ये तेरा और मेरा कोई बदला था पिछले जन्म का, आज मैं चुका दिया तेरा। तो उसने कहा शिकारी ने, वो बालिया नाम था उस समय भी उसका, उस बालिया झीमर ने कहा कि भगवान आप कर मेरा के बदला हो सके कि त्रेता युग में आप सुग्रीव के भाई बाली थे और मैं रामचंद्र था भाई, उसमें मैंने भी ऐसे धोखे से तुझे मारा था, आज तने वो बदला ले लिया। और एक काम करे, वहां कोई नहीं रह रहा उसमें नगरी में, कोई नहीं बचा है, किसी के माध्यम से मेरा संदेशा भिजवा दे पांडवों तक, वो आ जाए कोई संभालने, इन लड़कियों औरतों को ले जाए यहां से। अब उसने जैसे तैसे संदेशा भिजवाया या स्वयं गया तो सारे पांचों पांडव आ गए। जब श्री कृष्ण जी अंतिम सांस गिने थे, उन सभी पांडवों से शिक्षा देने लगे कि हमारा तो अंत आ गया, अब मैं जा रहा हूं और कोई नर या दो बचा नहीं है, जितने भी औरतें लेडीज हैं इन सब को तुम वहां ले जाओ, यहाँ के भील भाल लोग इन्हें तंग करेंगे, इनकी बेइज्जती करेंगे, तुम इनको वहां ले जाओ, इनको सुरक्षित रखना। तो उन्होंने कहा महाराज ठीक है। फिर क्या कहा कि एक और मान लेना मेरी बात, तुम राज त्याग के और तपस्या करो हिमालय बचा के, तुम्हारे ऊपर युद्ध में किए हुए जो पाप हैं वो बहुत ज्यादा हैं, वह तप करके अपने शरीर को गाड़ दो ताकि तुम्हारे कुछ पाप कम हो जाए। अब उस समय अर्जुन पर रहा नहीं गया, अर्जुन बोला भगवान वैसे तो आज आप ऐसी स्थिति में हैं कि मुझे कोई प्रश्न करना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा कहर टूट रहा है आपके ऊपर, लेकिन यदि मैं इस शंका का समाधान नहीं चाहूंगा तो मैं मर भी नहीं सकूंगा, ढंग से जी भी नहीं सकूंगा। तो श्री कृष्ण ने पूछा बोल भाई पूछ ले क्या पूछेगा, मैं सारी साची बताऊंगा, तो मैं सांस अंतिम गिन रहा हूं। अर्जुन ने कहा भगवान जब युद्ध महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, मैं ना टूटा रहा, आप हंगा कर रहे थे, आप जोर जबरदस्ती करके युद्ध करवा रहे थे, आपने यहां तक कहा था कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुम पर पाप नहीं लगेंगे। जब भाई युधिष्ठिर को बुरे बुरे स्वप्न आने लगे और आपके पास आए, आपने कहा तुमने जो पाप करे थे ना युद्ध में, बंदूक हाथ करी थी, वो पाप दुखी कर रहा है, उसमें मैं इसलिए नहीं बोला कि यदि मैं उसमें वाद विवाद करता तो मेरा भाई समाधान नहीं करवाता तो मैं सदा के लिए दुखी हो जाता, लेकिन आज मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, आप हमारे जन्म कौन से जन्म के दुश्मन थे जो तो आप इतने पाप करवा दिए, समाधान भी साथ करते रहे और आज फिर कह रहे वहां जाकर गड़का मर जाओ तपस्या कर करके। तो युधिष्ठिर बोला अर्जुन आपने ये बात आज नहीं करनी चाहिए। कहने का भाई साहब आज मैं रुक नहीं सकता, चाहे मन बुरा कहो चाहे भला कहो। कृष्ण जी बोले युधिष्ठिर बोल लेना इसने निकाल लेने दे अपने मन का दुख। तब उन्होंने बताया भाई मुझे ना तो स्वयं पता उस गीता में मैंने के कहा था, लेकिन जितना मैं धातु मार्ग जानू था मैंने तेरे को बता दिया कि वो जो पहले वाला पाप था वो यज्ञ से कटा है और वो भी सुपत सुदर्शन से अंग से वो भी नहीं कटा, और भाई ये पाप तुम्हारे पर ज्यों के दो धरे हैं और भी, अब जाके आप वहां हिमालय में अपना ये अंतिम समय तक वहां तपस्या करके जल मरो, ये मेरा वचन है, मानो चाहे मत मानो, जो होना था वो हो गया। अब उधर से क्या हुआ, श्री कृष्ण जी श्री छोड़ के अंतिम संस्कार करके सारे उनका फूक फाक के सारे ने अलेक उन औरतों को चल पड़ा, वो तो सारे पहले चले गए, चार तो पांचवा इकला छोड़ दिया सूरवीर अर्जुन के सभी गोपियों को साथ लेकर आ रहा था, वही रथों के साथ था, गांडीव धनुष था जिसके साथ उसने युद्ध किया था महाभारत का, रास्ते में भील लोगों ने रोक लिया
अर्जुन को पीटा, सारी गोपियों के हार हूर तोड़ लिया, वहां की जो जितनी भी औरतें थी, और कुछेक को अपने साथ घसीट कर ले गए, और अर्जुन खड़ा खड़ा कांपे, धनुष ठावे और उठे नहीं, वो धनुष उठे नहीं उसने जब वो सारा वो हालिया जब रोए अपने कर्मा ने, नो कहे यू कृष्ण छिया था, इसने सदा धोखा धोखा दिया, जब मेरे से नाश करवाना था महाभारत के युद्ध में तब तो मैं ये इतना योद्धा बना दिया, एक तीर मारूं था 200 में के निकले था, और आज वही अर्जुन और वही धनुष आज मेरे से उठता भी नहीं। तो यहां परमात्मा कहते हैं तुम असली जड़ को नहीं पकड़ पाए, श्री कृष्ण नहीं था छलिया, छलिया तो यू काल है जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञान देकर महाभारत का युद्ध यू नाश करवा गया, और इसका समाधान कबीर परमेश्वर के पास है, इस दास के पास है। ना तीन ताप रहेंगे, सूक्ष्म वेद में कहा है, इस ऋषियों को लताड़ा है परमात्मा ने, दुर्वासा को पेतहा समझ न आई नीच, 56 करोड़िया दो कटे हुआ मची रुद्र की कीचे। कहते हैं उन बच्चा ने थोड़ा सा मजाक कर दिया, और उस दुष्ट दुर्वासा ने इतना बुरा शराब दिया करते हैं, तो राक्षस है, कसाई है, ये कोई संत है। कहते दुर्वासा कोपे तहा, कोपे माने क्रोधित हुए, और समझ न आई नीच, उस नीच आत्मा ने यह भी नहीं सोचा तू क्या शराब देने चाह रहा, क्या जुल्म होगा, और 33 करोड़ या दो कटे या मची रुद्र की कीच। कहते हैं इस रक्त की खून की गारा माच की 56 करोड़ आदमी मर जाए, वहां तक गोड्डा गोड्डा खून की गारा बन गई, अरे इनको हम ऋषि और महर्षि को बड़ा पहुंचे हुए थे, खाक पहुंचे हुए थे। और उसी प्रकार चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया मानधाता चक्रवर्ती राजा की, उसके विषय में परमात्मा कहते हैं 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के वेखे। कहते 56 करोड़ का नाश कर दिया चुनक ऋषि सुअर, ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि वर ऋषि सुवर, उसके ये लक्षण है 56 करोड़ का नाश कर दिया, ये दे धारे जोरा फिर या चलती फिरती मौत है, ये ऋषि नहीं थे, ये सभी काल के भेख जो यहां तक के साधक है उनकी ये स्थिति है, न इनसे कोई तीन ताप कर सकते, तीन ताप पैदा कर सकते, ये नाश नहीं कर सकते। अच्छा श्री कृष्ण जी विष्णु जी थे, श्री कृष्ण इज विष्णु, और वो अपना पाप नाश नहीं कर सके, पुजारियों का क्या करेंगे, जिसके सामने पूरा बच्चे पोते पड़पोते रिश्तेदार मर जा, और अगर वो समर्थ होता तो क्या उनकी रक्षा नहीं करता, वो समर्थ नहीं था, ये कर्म के बंधन से सभी बंधे हुए हैं। तुम कौन राम का जपते जापम तात कट नायते नो तापम, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कबीर परमेश्वर की समर्थ की शरण में आओ, सदा सुखी रहोगे और थारे सारे पाप कटेंगे, मोक्ष मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? अशोक नाम है जी। सर कहाँ से आए आप? मैं जिला बदायूं उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ जी, गांव। सर क्या काम करते हैं आप? मैं जी एक ठेकेदार एक पेंटर का काम करता हूँ मैं। सर परम संत रामपाल जी महाराज किरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं जी ब्रह्मा विष्णु महेश मंदिर जाना, पितरों की पूजा करना, और जो झाड़ फूक वाले जो करवाते थे गाँव के, जो रीति रिवाजी थी बुजुर्गों के जमाने से, वो करते थे हम लोग। लेकिन उससे हमारे को सुख शांति कोई नहीं मिलती, जितना करते थे उतना दुख ही होता था हमारे को उसको करने के बाद। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आपको कैसे प्राप्त हुई? एक नेत्रपाल भगत जी हैं, हमारे भाई लगते हैं रिश्ते से, वो हमारे को बोलते थे भाई तुम ये मंदिर जाना, ये करना, तुम सारे देवी देवताओं पर विश्वास करना, झाड़ फूक वालों पर विश्वास करते हो, तुम्हारे घर में अशांति रहती है हर समय, हमारे आश्रम चलो तुम, वहां से नाम ले लो गुरु जी से और तुम्हारे को सुख शांति मिलेगी, इससे कोई हमारा आपको वो नहीं होगा। तो हम सोचते थे नहीं जी का हम नहीं जाएंगे, आप होली दिवाली कुछ नहीं मानते हो, किसी को नहीं मानते हो आप, हम नहीं जाएंगे वहाँ।
हमारी भक्तमती जो थी उनकी प्रबल इच्छा ज्यादा थी कि नहीं भाई एक बार जाना चाहिए हमारे को आश्रम देखना चाहिए जड़ तक तय तक जाना चाहिए हमारे को क्या है क्या नहीं है। मैं और मेरा बेटा दोनों ही एक दिन आए और यहाँ पर देखा, उसी दिन मेरे बेटा ने कही कि नहीं पापा यहाँ से नाम उपदेश लेते हैं हम, बाकी जगह कहीं नहीं जाएंगे हम, तो उस दिन मैंने नाम उपदेश यहाँ से ले लिया। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे प्रथम तो मेरे को ये लाभ है कि मैं दो बंडल बीड़ी का पीता था दिन भर में, मेरे घर वाले सारे मेरे से परेशान रहते थे क्योंकि मैं एक पेंट का ठेकेदारी का काम कराता हूँ, मैं लेबर के साथ रहना, जैसी संगत होती थी वैसे वही उनको शाम को कि कभी दारू मंगा लो भी ठेकेदार तो बोतल को पैसे दे देने, उनको खुद भी पीना उनको भी पिलाना, फिर घर में आके झगड़ा करना। तो सबसे बड़ा लाभ तो ये था कि मेरी बीड़ी उसी दिन से छूट गई, ना मेरे को कोई इच्छा हुई ना मेरे को कोई आज तक लाभ, मतलब इसका सबसे बड़ा मिला मेरे को ये मेरा एक अनुभव था। फिर उसके बाद अभी पीछे मेरे को इस पिछले सत्संग में आया था मैं 4 को और 5 को, यहाँ से मैं 4 तारीख को 5 को गया था, यहाँ से वापसी 8 तारीख को मेरे साथ एक हादसा हुआ था, जो 4 मंजिल की घोड़ी थी लोहे की मेरी उससे उतार रहे थे लड़के, एक बिजली की लाइन पर रख गई थी, लेकिन वहां से जैसे वेल्डिंग में हम करते हैं उस हिसाब से हमारा मतलब जो है चिंगारी छूट रही थी, 4 बंदे थे, मेरा बेटा भी स्कूल से आया था, ये सोच रहा पापा पर रुकी नहीं है तो दौड़ के ये भी गया, इसको ये नहीं पता था कि करंट लगा हुआ है, लेकिन उसमें 4 बंदे थे, एक मेरा भतीजा भी पकड़ा हुआ था, तो चारों के चारों मतलब कांप रहे, लेकिन हम 2 उपदेशी थे उसमें और बाकी 4 गैर उपदेशी थे उसमें बंदे, वो चारों के चारों हम कांप रहे, लेकिन नीचे 200 बंदे खड़े थे वो सारे ही घबरा रहे कि नहीं भी आज ये 4 बंदे मर जाएंगे बचेगा नहीं कोई भी। तो मैंने कहा हे बंदी छोड़, तो इतने में मेरे को नहीं पता घोड़ी तार पर से उठ के कैसे अंदर आ गई, ये मेरे को कुछ नहीं पता लगा, लेकिन अब चारों के चारों सेफ हो गए, बाकी इनको करंट लगा हुआ एक बार को घबरा गए थे, बाहर उनके खड़े हो गए कि नहीं भाई अब नहीं बचेंगे। तो सबसे बड़ा मेरे को चमत्कार ये कि मैं आज हुआ मतलब बंदी छोड़ना बहुत रजा भाई, एक नया दान जीवन दिया मेरे को, चारों के चारों हम सेफ बच गए। जैसे पहले आप भक्ति करते थे तो उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलता था, फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण आए, सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दान लिया, तो जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी उस भक्ति से आपको ही नहीं बल्कि 4 लोगों को जीवन दान मिला, तो भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते सर आप? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूंगा भाई कि जिला हिसार बरवाला में आए और माता और बहनों और भाइयों से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर कि अपना भाई कल्याण कराएं, सतगुरु रामपाल जी के पास आएं, ये एक सत कबीर है, इनका पूर्ण विश्वास करें, मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई, आए यहाँ पर और प्रबल अपना जीवन सफल बनाए। जी धन्यवाद आपका। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? भगत भारत दास। भारत दास जी कहाँ से आए आप? मैं जिला बदायूं गांव लोथर। भारत दास जी क्या काम करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, 10वीं कक्षा में हूँ अभी। भारत दास जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में मेरे एक चाचा लगते हैं नेत्रपाल भगत जी, वो हम मेरे घर पे रोज आते थे सत्संग देखने, वो कहते थे कि आप हमारे को मेरे गुरु जी का चैनल दिखा दे करो साधना, आप उससे हमारे गुरु जी का सत्संग आता है, आप डेली दिखा दे करो, चाहे आप उस दिखाने के 2 घंटे के पैसे ले लिया करें हमसे, पर हमने कहा नहीं चाचा हैं हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, चलो आप देख लिया करो सत्संग, पर वो देखते रहते थे हम सो जाते थे, हमारा मन नहीं लगता था, अब काल की काफी शक्ति होती है इसमें कि क्या होता था कि हम सो जाते थे, हमें अच्छा नहीं लगता था, पर जैसे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, जब सुनने लगे कि जहाँ पे जहाँ आशा था वहाँ आशा हुई, जैसे जैसे आशा लगने लगी उसमें, जहाँ बढ़ने लगी उसमें कि क्या है ये ज्ञान, जब गुरु जी गीता खोल के दिखाते थे, गीता हमने देखी थी पढ़ी भी थी पर समझ नहीं आती थी कि है क्या चीज ये, मैं बस मंदिर भी जाता था वहाँ पर भी काफी वेद थे, वहाँ पर काफी वेद पढ़े हुए थे, हमने गीता पढ़ी हुई थी पर कभी समझ नहीं आया कि उसमें रियल बात क्या है, लगता था कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पर जब उसमें गुरु जी ने जो समझाया वो पता लगा कि असली बात क्या है, तो तब पता लगा, तब मैंने और मेरे पापा ने एक दिन भगत जी के साथ जिस दिन वो आश्रम आ रहे थे उस दिन हमने सोचा कि आए आश्रम और पूरा ज्ञान सुने कि पूरा ज्ञान क्या है, तो पूरा ज्ञान इसकी जड़ तक जाया जाए कि भाई पूरा ज्ञान क्या है और कहाँ से ये मिलता है, और क्या कबीर साहब की जब पूरी हस्ती बता रहे थे गुरु जी कि कबीर साहब एक पूर्ण परमात्मा है ये कैसे हैं, ये पूरी जानने के लिए हम यहाँ बरवाला सतलोक आश्रम में आए और यहाँ पे पता लगाया और यहाँ से नाम उपदेश लिया। भारदास जी जो भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से पहला लाभ तो ये मिला कि मेरे पापा बहुत बीड़ी पीते थे, वो बीड़ी छूट गई, दिन में कम से कम इन्होंने 50 रुपए की बीड़ी तो पी जानी थी, तो 50 रुपए की वो बीड़ी अब बचते हैं कुछ जो काम में आ जाते हैं वो पैसे, वो कभी कभी दारू पी के आ जाते थे जिससे हमारे घर में खूब लड़ाई होती थी, और वैसे ठेकेदार है तो दिमाग वैसे टेंशन में रहता था इनका,
हर दिन कोई ना कोई घर में किसी बात पे झगड़ा करना कि किसी आज ये हो गया आज वो हो गया, छोटी छोटी बाहर की बातों पे। तो एक तो उससे शांति मिली और दूसरा मैं एक दिन मैं डेली शाम को अपना स्कूटर है मेरे पास जिससे मैं सीखता था स्कूटर, तो एक दिन मैं अपने दोस्त की साइकिल लेके साइकिल चला रहा था तो उससे मैं एक दिन गिरा, मेरे हाथ में चोट लगी, काफी चोट आई। तो मैं एक दिन वहाँ शाम को सो गया आके, तो सपने में मेरे को सदगुरुदेव ने दर्शन दिए और सदगुरुदेव ने कहा कि ये तेरा एक्सीडेंट स्कूटर से होना था, जो तेरा मैंने एक इसमें जो टल गया, कहते हैं कि सदगुरु शरण आने से आई कटे बला और जे मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। तो वो घटना हुई मेरे साथ कि वो जो मेरे स्कूटर से एक होने वाला था एक्सीडेंट उससे मैं बच गया। एक खाली मामूली खरोच लगी मेरे को जब मैं गिरा साइकिल से, तो उस खाली मामूली खरोच लगी जो शाम को होने वाला था वो मेरा दोपहर में होकर टल गया वो घटना। उससे मेरा एक दृढ़ विश्वास हो गया कि नहीं ये तो पूर्ण परमात्मा है, जब सपने में दर्शन दिए। और मेरी मम्मी को भी बहुत, मेरी मम्मी भी बहुत कष्ट में रहती थी, उनके गले में एक दो साल पहले एक फोड़ा निकला था, उसमें 2 लाख रुपए हमने लगा दिए, सब जगह गए, सब मंदिर में बहुत सारे जितने भी मंदिर बताए, जितने भी लोगों ने तीर्थ बताए, जितने भी गुरु बताए कि इनके पास जाइए आप लाभ मिलेगा, हम सबके पास गए पर किसी से लाभ नहीं मिला। आखिर में उसके 2 लाख रुपए लगे और मरते मरते बची मेरी मम्मी, और वही फोड़ा उसी जगह द्वारा निकलने लगा था। तो हमारे को एक महीना था जुड़ने से, एक महीना पहले हमने जैसे ही सुना कि भाई यहाँ पे आने से सब कुछ रोग कट जाते हैं हमारे चाचा बताते हैं, तो हम उनके कहने पे आए थे और अपनी मम्मी को भी लाए, उन्होंने भी नाम उपदेश लिया। तो जब गुरुजी ने आशीर्वाद दिया मम्मी को, तो उनके जो गले में गांठ बन रही थी द्वारा, वो एकदम आशीर्वाद देने से मात्र से ही खत्म हो गई। उसका द्वारा जाके जब रिपोर्ट टेस्ट कराया तो टेस्ट में पता ही लगा कि कहाँ थी वो गांठ, कहाँ चली गई, कैसे गई वो पता ही लगा। सब हैरान हो गए कि द्वारा निकल रही थी वो गई कहाँ आखिर। तो एक मेरे जीवन में बहुत बड़ा लाभ था। और मेरा पहले पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बकवादों में मन लगता था, तो उसमें मेरा मन काफी अच्छा लगा जब मैं गुरुजी की भक्ति करने लगा, तो उसमें सारा मन एकदम ध्यान मतलब अच्छा लगने लगा जब गुरुजी के एकदम तीनों समय की रमणी आरती करते हैं, उसमें ध्यान एकदम केंद्रित हो जाता है कि जिस काम में मैं करना चाहूँ वो दिल से होता है, और पूरा नाम परमात्मा का लेके जब कोई काम हो तो मेरा सफल होता है। मैंने अभी 2 महीने पहले जब मेरे पेपर होने के लिए 2 महीने रह गए थे तो मैं आश्रम में आ गया था, तो आश्रम में आने के बाद मैं एक सप्ताह लगा के गया, तो उसमें मेरे 2 पेपर मेरे से मिस होने के रह गए थे कि उसकी मेरे को लगा मिस हो जाएंगे, उनकी डेट निकल गई थी कि हो जाएंगे, पर जैसे मैं स्कूल पहुंचा द्वारा तो मेरे को पता लगा कि जो पेपर की 2 दिन की डेट थी वो पोस्टपोन हो गई थी, वो 2 दिन और बढ़ गई थी, तो मेरे लिए परमात्मा ने 2 दिन और बढ़ा दिए। मैंने बिना पढ़ाई करे, बिना मैंने कोई सोचे वो पेपर दिए और मैं उसमें सेकंड आया, बिल्कुल उसमें रिजल्ट में सेकंड आया और मेरे को सबने बधाई दी, और वो तो मुझे ही पता है कि पूर्ण परमात्मा ने कैसे मेरे नंबर बढ़ाए, कैसे मेरा पेपर कराया, एकदम पास कराया मेरे को। भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को संदेश देना चाहूंगा कि आप आइए सतलोक बरवाला आश्रम में, यहाँ पे देखिए कि भक्ति कैसी है, कि इसमें पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सबके कष्ट हरण करते हैं। आप कोई भी कष्ट हो, आपका भूत प्रेत या फिर कोई पितृ पूजा हो जो आपको तंग कर रही हो, या फिर आपको पीछा ना छोड़ रही हो, या फिर कोई बीमारी हो, आप किसी भी कारण से आप यहाँ आइए, आपका सारे कष्ट दूर होंगे, आपको सब सुख लाभ मिलेगा, एक से एक धन संपत्ति या कुछ भी हो, बस नाम आप सुमरिए, पूरे नियम में रह के सुमरिए। परमात्मा कहते हैं नियम पहले हैं, अगर आप नियम में रह के करोगे आपको सब कुछ मिलेगा, धन संपत्ति जो आप चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा, बस नियम में रह के भक्ति करिए। इसलिए मेरी भक्त समाज से प्रार्थना है कि आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आए और सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से बंदी छोड़ से नाम लें और अपना कल्याण कराए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।